हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी ज्वेलरी मेकिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें एकदम बिगिनर फ्रेंडली इजी ज्वेलरी डिज़ाइंस बनाए हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आई नो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल्स भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने बेसिक मटेरियल्स एंड सिर्फ पर्ल बीज से ही सारी ज्वेलरीज तैयार करी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस रिंग को बनाने के लिए हम लेंगे 4 mm के 32 बीड्स एंड 1 6 mm एंड 1 8 mm बीड, और लेंगे ये नायलॉन थ्रेड। अब इस थ्रेड की अच्छी खासी लेंथ लेकर उसके बीच में से फोल्ड करके डबल कर लेंगे, और उसके बीचों बीच सबसे बड़ा यानी 8 mm वाला पर्ल बीड डालकर थ्रेड क्रॉस करा के थ्रेड को वहीं फिक्स कर देंगे। अब एक साइड की थ्रेड लेकर पहले उसमें 4 mm वाले 8 बीड्स इंसर्ट करेंगे, देन 6 mm वाला पर्ल डालकर अगेन 4 mm वाले 8 और पर्ल्स डालेंगे। अब इतना करने के बाद पर्ल्स डली हुई थ्रेड को सबसे पहले वाले 8 mm पर्ल से क्रॉस करा देंगे। अब मिडिल वाले पर्ल के ऊपर में से 2 थ्रेड्स निकलेंगे, उसमें से एक थ्रेड लेकर 4 mm वाले 8 पर्ल्स इंसर्ट करके 6 mm वाले पर्ल में से उस थ्रेड को क्रॉस करा देंगे। देन ऊपर निकली हुई सेकेंड थ्रेड को लेकर अगेन उसमें 8 4 mm पर्ल्स डालकर 6 वाले पर्ल से क्रॉस करा देंगे। अब बची हुई थ्रेड में अच्छे से 3-4 नॉट्स टाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके बची हुई थ्रेड को लाइटर की हेल्प से जलाकर पूरी रिंग को सिक्योर कर लेंगे, और बस तैयार है आपकी ये छोटू सी प्यारी सी रिंग। तो इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको चाहिए पुरानी मेटल बैंगल। चूड़ी आपकी साइज़ से बड़ी हो तो अच्छा है, और अगर सेम साइज़ की हो तो इतने बड़े वाले पर्ल्स मत यूज़ करना, थोड़े छोटे वाले यूज़ करना। इस बैंगल को हम बीच में से कट कर लेंगे, देन इसमें बीड्स डालना शुरू करेंगे। बैंगल के फर्स्ट एंड लास्ट को ग्लू लगा कर फिक्स कर देंगे, एंड तैयार हो गया आपका ब्रेसलेट। तो इस एक ईयरिंग के लिए हमने लिए हैं 7 8 mm बीड्स एंड 10 1 10 mm बीड, एक कॉपर वायर। मेरी वायर बहुत पतली है, आप लोग थोड़ी मोटी वायर लेना। और अब हम डालेंगे इस वायर में 6 बीड्स स्ट्रेट, देन लास्ट 7th वाले बीड को लेकर वायर के दूसरे एंड को लेके बीड के सेकेंड होल में डालकर वायर को इस तरह क्रॉस करा देंगे। अब हम वायर को एक साथ लेकर ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, देन एक वायर को लेकर उसमें 8 mm वाला बीड डालकर सर्कल के बीच में उसको इस तरह लाकर और ऐसे फिक्स कर देंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। देन इसको फिर से बहुत अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद बचे हुए वायर को काट देंगे। अब जंप रिंग लेंगे और इस वायर के अंदर डालेंगे। जंप रिंग के अंदर हम अपना इयररिंग हुक डालेंगे, उसको लॉक कर देंगे, और इस तरह हमारा इयररिंग तैयार हो जाएगा। इस पेंडेंट को बनाने के लिए आपको लेना है थोड़ा थिक वाला गोल्डन वायर। अब अगर आपके पास भी मेरी तरह प्लायर ना हो तो ऐसी किसी चीज़ की हेल्प लेकर इसको फोल्ड करना शुरू करें। फिर इस वायर को फोल्ड करके दोनों तरफ से एक एक करके फोल्ड करते हुए बीच में लेकर आना है। अब इसको बीच में से मोड़कर एक दूसरे के साथ मिला देंगे। फिर इसको किसी चीज़ की हेल्प से ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए खोलना है। दोनों तरफ से खोलने के बाद इसमें अपने डिजायर्ड शेप का पर्ल बीड लेकर लगा देंगे, और उसके बाद इसको फिर से खोल कर एक बार फाइनल एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसमें हम अटैच करेंगे चेन, जिसके लिए लेंगे हम जंप रिंग, और जंप रिंग को पेंडेंट में डालकर उसको लॉक कर देंगे। फिर उसमें चेन डालकर अपने नेक के हिसाब से लंबाई रखकर उसको काट देंगे। फिर चेन के एक एंड में डालेंगे जंप रिंग के साथ लॉबस्टर हुक, और तैयार हो गया आपका पेंडेंट। तो इस नेकलेस को बनाने के लिए आपको चाहिए 6 mm एंड 4 mm बीड्स और नायलॉन थ्रेड। नायलॉन थ्रेड को अपनी नेक के 3-4 टाइम ज़्यादा लंबा रखना है, क्योंकि वो फ्लावर्स बनाते बनाते छोटी होती रहेगी। अब एक जंप रिंग लेके थ्रेड के बीचों बीच ले जाकर थ्रेड को बीच में से मोड़ के इस जंप रिंग को नॉट टाई करके सिक्योर कर देंगे। जंप रिंग के डालने के बाद थ्रेड डबल हो जाएगा। दोनों थ्रेड को पकड़ के उसमें एक 4 mm वाला बीड डालकर और बीड को एंड तक लेके चले जाएंगे। अब एक थ्रेड लेंगे और उसमें 6 mm वाले 3 बीड्स इंसर्ट करेंगे, और फिर सेकंड थ्रेड लेंगे उसमें भी 6 mm वाले 3 बीड्स इंसर्ट करेंगे, और फिर ऑल 6 बीड्स को पुल करके नीचे तक लेके चले जाएंगे। अब एक थ्रेड लेकर उसमें 6 mm वाला एक पर्ल डालेंगे, फिर दूसरी थ्रेड को पर्ल के दूसरे साइड होल से क्रॉस करा के थ्रेड को पुल कर देंगे, और इस तरह तैयार हो जाएगा हमारा एक फ्लावर। अब एक 4 mm वाला पर्ल लेंगे और उसमें दोनों थ्रेड्स को एक साथ डालकर उसको भी खींचकर एंड तक लेकर आ जाएंगे।
अब सेम प्रोसेस यानी एक 6 mm फ्लावर प्लस 1 4 mm बीड को फॉलो करके मैंने 8 फ्लावर्स बना लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रंट के लिए बनाया था, बाकी में मैंने चेन लगाई थी। आप चाहें तो पूरे में फ्लावर्स ही बना लें, चेन ना लगाएं। अब दोनों थ्रेड्स को एक साथ लेकर उसमें एक 4 mm वाला पर्ल डालकर अच्छे से 3-4 नॉट टाई कर देंगे। अब एक जंप रिंग लेंगे और उस जंप रिंग के अंदर चेन को डालकर लॉक कर देंगे और फिर उसी जंप रिंग को थ्रेड के अंदर डाल के अच्छे से 3-4 और नॉट टाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके इस तरह लाइटर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अब एक लॉबस्टर हुक लेंगे और उसको चेन की सेकेंड एंड वाली जंप रिंग में डाल के लॉक कर देंगे और बस तैयार है आपका नेकलेस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर चेकआउट करें। इस वीडियो में ईजीएस्ट के साथ सिंपलेस्ट डिज़ाइंस थे, उस वीडियो में ईजी ही हैं बट थोड़े और अच्छे डिज़ाइंस हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्राफ्ट आइडियाज़ के साथ। ओके बाय।